गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो, दिस इज मी दक्षराज चौहान एंड यू आर वाचिंग यूके 16 से दक्षु। तो गाइस आज हम जा रहे हैं जागरे मेले के लिए समालटा। तो सबसे पहले आप सभी को जागरे मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे साथ है अविरल भाई और उनकी बड़ी बहन शिखा जी और उनके रिलेटिव्स। तो फिलहाल हम यहाँ जजरेड के पास रुके हैं। यहाँ पे ये व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा था तो हमने सोचा यहाँ पे फोटो वोटो लेते हैं और फिर आगे निकलते हैं और आपको इन्फो करते हैं। बाय बाय। अब हम आ चुके हैं यहाँ पे सयाने शिखा जी से। यहाँ पे हमें तो पता नहीं दुकान कौन सी है, बट एक भैया थे हमारे साथ, उन्होंने बोला ये और चले गए उधर। उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये अच्छे मोमो मिलते हैं तो ट्राई करते हैं, फिर आपको बताते हैं। बाय बाय गाइस। मोमो आ चुके हैं। कैसे हैं मोमोज? बढ़िया बढ़िया अच्छे हैं। ओके हम ट्राई करोगे? ट्राई। हम निकल चुके हैं अविरल भाई के घर की ओर पैदल पैदल। और ये रास्ता यहाँ पे ऊपर गाड़ी लगानी थी, वो दिखाया नहीं क्योंकि गाड़ी लगाने में थोड़े हम व्यस्त हो गए थे, हमें कंडक्टर बनाने का था। काफ़ी प्यारी जगह है, मतलब हरियाली तो है फिलहाल इस मौसम में, हरा भरा क्षेत्र। क्या नाम है आपके गांव का? क्या जिसे बाकरो? बाकरो बकरा मत समझना, इट्स बाकरो। तो अभी चलते हैं, फिर आपको विरल भाई का गांव वाला घर भी दिखाते हैं और आगे की आपको अपडेट्स देते रहेंगे। बाय बाय। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं जुसो बाग। क्या था? बाकरो। जुसो बाकरो ये है अविरल भाई का गांव का नाम। बहुत अजीब है, बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल हम छत को पर आ रखे हैं क्योंकि हम उड़ते थे बोर। यहाँ हमने फोटो वीडियो बनाई है, अभी फ़ोटो ली है। और ये ऊपर पता नहीं कौन से गाँव है बट यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा है। और नीचे मंदिर है, मंदिर दिखा दीजिए एक बार। अभी मैंने अपने साथ कैमरामैन मिल चुके हैं मुझे, तो मैं कैमरामैन को नहीं छोड़ता। जूम कर दो, वो हल्का सा दिख रहा होगा यहाँ से, तो ये देखो हल्का सा एकदम। बाकी अभी हम इधर रहो, अभी हम जाएंगे मंदिर भी जाएंगे लेकिन रात को जाएंगे, तो रात को शायद इतनी क्लियर वीडियो शॉट्स ना आ पाए, बट जितना अभी दिखा सकते हैं उतना दिखाएंगे। बाकी आपको मिलते हैं थोड़ी देर। तो गाइस अभी हम चाय पी रहे हैं और यहाँ से व्यू बहुत प्यारा है। मतलब ये खिड़की है ना, ठंडी हवा भी यहाँ से आ रही है और यहाँ से दिख भी सब अच्छा रहा अभी तक तो। धूप बोला जब धूप क्यों आ रही थी ना रोशनी, मतलब तो और ज़्यादा अच्छी लगी थी। इधर अगर भाई की फैमिली सब अपने लगे हुए और हम दिखाते हैं आपको हमारे छुपे हुए कैमरा मैन। गाइस अब हम जा रहे हैं महाराज के पास दर्शन करने। ये यहाँ पे समालटा गांव है और फिलहाल यहाँ से रास्ता है, और ये जो घर है इसके पीछे महाराज है। तो हम आपको वहाँ की शॉट्स दिखा देंगे क्योंकि भीड़ इतनी है, बहुत ज़्यादा भीड़ है जो दूर से दिख रही है। बाकी आपको मिलते हैं। तो फाइनली गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी भीड़ हो रही है। अभी हम पांडाल में आ चुके हैं खाना खुना खाने और यहाँ पर ये माइक लगे हुए, ये मतलब सब कुछ देख रहे हैं यहाँ पर कि क्या इसकी गाड़ी गलत लगी हुई है, कोई फालतू तो मतलब कुछ अवैध काम तो नहीं हो रहा है। सब फिलहाल खाना खुना खाते हैं और खाना खाने में अभी तो भीड़ आएँ। ये रहे हमारे भैया जी जो बोल रहे हैं तब से। गाइस हमारा प्रसाद आ चुका है जिसमें खीर, हलवा, सब्जी और ये जितनी भी सब्जी है मटर की और पूरी चावल अभी आने हैं। काफ़ी ज़्यादा है तो फिलहाल खाना खुना आगे फिर मिलते हैं आपको। बाय। तो गाइस फाइनली हमने खाना खुना खा लिया है, अब हम मंदिर के पास आ चुके हैं और मंदिर देख सकते हो आप कितना प्यारा लग रहा है। ये समालटा में चालदा महाराज जी का मंदिर है, या जिसको मैं पता है तो मैं बता देता हूँ। बाकी फिलहाल अब घर की ओर निकलेंगे, इधर से ये रास्ता है ऊपर को और फिर आपको घर जाके मिलता हूँ। बाय बाय। फाइनली गाइस हम पहुँच चुके हैं अविरल भाई के घर पर और ये जो आपको लाइट दिख रही है ये नीचे समालटा है। नीचे गाने गुने बजरे अगर आपको सुनाई दे रहे होंगे बिल्कुल हल्की, मतलब क्योंकि हम थोड़ा सा दूर है ना। फिलहाल अब सोते हैं और सुबह देखते हैं क्या होता है। सुबह भी दर्शन हो गए, सुबह ज़्यादा भीड़ होगी जबकि क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ जितनी आज थी ना उसकी भी डबल होगी, सोचो कितना होगा। तो अब सुबह आपको मिलते हैं। गुड नाइट, बाय बाय और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब कर दो यार, क्या जा रहा है, लाल बटन को दबा दो पट 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 पट।
बट सब्सक्राइब इस YouTube चैनल गाइस, ये बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है और इसके वीडियोस करोड़ों तक पहुंचे। गाइस देखो अब क्या चाहते हो तुम लोग, ये सब वाला मैंने जानबूझ के कहा, आई स्वेयर स्क्रिप्टेड नहीं था गाइस, ये मैंने नहीं बोला बोलने को, मेरे फैंस यू नो। बाकी आपको मिलते हैं सुबह। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह 5:15 हो रहे हैं और हम पूरी रात नहीं सोए, और हमारे साथ मिल चुके हैं अक्षत भाई, ऑरेंजी भाई, हेलो। ये मुझे बहुत देर से पहले से मिल गए, लेकिन फोन डेड पड़े थे तो शूट नहीं कर पाए हम उससे पहले। अभी फोन चार्ज करा, तो फिलहाल तो यहाँ का सीन मैं आपको दिखाता हूँ क्या चल रहा है। एक सेकंड में कैमरा देता हूँ। यहाँ पे अभी ये लोग बैठे हुए हैं नीचे, गाने गुने लगा रहे थे, फिर गाने भी इनके बंद हो गए हैं। और मंदिर ये रहा हमारे समालटा का, चालदा महाराज जी का। अब हम लोग, मैं पहले अविरल भाई के साथ ऊपर गया था जैसा कि आपने दिखाया था उसमें, लेकिन मेरे को नींद ही नहीं आई तो मैं नीचे आ गया। और इधर फिर ये लोग भी मुझे उस टाइम ही मिल गए थे, लेकिन फिर उस टाइम ऐसे ही हो गया था कि मैं उनके साथ था, फिर कंपनी क्या ही चेंज होता, फिर मैं नीचे आ गया था। तो अब आगे आपको मिलते हैं और आपको बताते हैं क्या। गाइस हम फिर से उसी लोकेशन पे आ गए जहाँ पे आपने अगर नोटिस करा होगा जब मैंने अभी तक बोला था, जब हम ऊपर को जा रहे थे तो यही वो जगह थी जहाँ पर हमने व्लॉग बनाया था। उस टाइम अंधेरा था और सुबह बज चुके हैं, उस टाइम देख रहे हो आप, मतलब सुबह हो गई है, लेकिन मैं घर गया। और सुबह के टाइम क्या हो रहा है, टाइम दिखा दो अक्षत भाई एक बार, 5:37 मैं घर गया ऊपर, अविरल भाई और साथ नींद ही नहीं आई जैसे मैंने पहले बताया, और फिर नीचे आ गया। फिर अब ऐसे ही है पूरी रात, और अब सुबह हो गए रियल जागरा, लेकिन यही है कि आप महाराज के पास पूरी रात अपनी समर्पित कर दो, वही है। और फिलहाल अब देखते हैं चाय वाय पीते हैं या फिर सोने जाएंगे, क्योंकि सुबह तो हो गई है, संदोल बजने का वेट करेंगे और फिर आपको मिलते हैं आगे। आइए पूरी मॉर्निंग गाइस। तो आज हमारा डे टू है हमारे टाउन, और अब हम कर रहे हैं ब्रश। क्या आप इस ब्रश को जानते हैं, कमेंट सेक्शन बताओ। नहीं हम नहीं जानते, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, तो पूछेंगे यार बिन फालतू। कमेंट सेक्शन बताओ इसे जाते हैं। इसे हमारे शायद दातुन कहते हैं, ये एक लकड़ी होती है और हम ऐसे चबाते हैं और फिर घिसते हैं दांतों में, दांत एकदम साफ हो जाते हैं नेचुरल एकदम। फिलहाल नाश्ता नाश्ता हमने कर लिया है, अभी हम जा रहे हैं शिवांग भाई को लेने, कहाँ सैया वो आ रहे हैं विकास नगर से, तो आपको रास्ता है। तो गाइज आप मंदिर में भीड़ देख सकते हो कितनी है, अभी हम नीचे सैया की ओर जा रहे हैं और यहाँ से मंदिर का कितना प्यारा व्यू आ रहा है ये भी आप देख सकते हैं। फिलहाल चलते हैं शिवांग भाई को लेने, फिर आपको मिलते हैं। ओके फाइनली गाइज शिवांग राणा हेयर भाई हेयर। तो कैसा रहा सर आपका सफर? हेक्टिक, बहुत हेक्टिक था। हम तो आपको लेने यार आ नहीं पाए क्योंकि रूट ही बंद हो गए थे सारे, फिर हमने जब तक खुलवाया रूट तब तक वो, फिर आपने कहा कि मैं गाड़ी के पाइप पे आ चुका हूँ, फिर हमने कहा ठीक है यार पाइप पे बैठ जाओ, नहीं तो हमें तो पुरोड़ी होते हुए उधर से पूरा रख के कैसे जाएगा ना, पतालटा होते हुए जहाँ पतालटा के पास ना, मैं क्यों उतारू, मेरे को नहीं है खौफ जूतों का, मेरे मम्मी नहीं उतार देती। देख लो भाई अगर ऐसा डर डर है कोई जूतों का तो फिर उतार दो आप। आते ही दातुन घिसने लग चुके हैं, मजा आ रहा है गाइस व्लॉगिंग करने में। हाँ जी गाइस ये हमारे पीछे है चालदा महाराज जी का मंदिर, जो मैं आपको तीसरी चौथी पांचवी बार दिखा रहा हूँ। बाकी कुछ नहीं, मैं आपको इसलिए अभी इस क्लिप का मेन मोटिव है कि सब्सक्राइब करो चैनल को। देखना अभी इसमें घूमेंगे नाचेंगे ये ढोल बजाते बजाते, सब बहुत ही सुंदर कलाकृति इनके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, और ये आपको सिर्फ ऐसे टाइम पे ही देखने को मिलेगा जब कई महाराज ऐसे होंगे। यही तो देखने लायक चीज़ होती है जब ये लोग जाते हैं।
इतने प्यारे गाने गा रहे हैं ना, अभी नीचे अगर सुनाई देते हो। तो हियर वी आर गाइस, यहाँ से मतलब ये लोकेशन इतनी प्यारी है ना, यहाँ का व्यू देख लो आप। और यार सब्सक्राइब तो कर दो चैनल, क्या कर रहे हो तुम लोग, मतलब यार सब्सक्राइबर देख लो मेरे, देख रहे हो महाराज के नाम पे सब्सक्राइब कर दो बैंकर, और क्या बोलूँ मेरे नाम पे तो कर नहीं। बाकी अगर समाल्ट आओ तो जो उधर का गेट है, क्या बोलते हैं, जो मंदिर के राइट की तरफ जो आपको गेट मिलेगा उसे सीधा सीधा ऊपर आना। ये इतनी प्यारी लोकेशन है, यहाँ पे ये पेड़ है और यहाँ से झरना इतना प्यारा है नीचे। और जाना था मुझे लेकिन हम लेट हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, हमें अब घर भी निकलना है विकास नगर, तो अभी निकलते हैं यहाँ से। रास्ते में भी फोटो लेंगे, फिर आपको व्यू व्यू दिखाएंगे सब कुछ बढ़िया करके, और फिर इस ब्लॉग को कर देंगे एंड। बाकी आप सब्सक्राइब करो दबा के। तो ये हमारा समाल्टा, और क्या बोलते हैं, अगर आपको सही से दिख रहा होगा वहाँ पे पांडाल पुंडाल भी साफ दिख रहा है सब। यहाँ से हम इधर से ये पहाड़ों के ऊपर से घूम फिर के इधर से आ रहे हैं हम। सीरियसली गाड़ी बहुत नीचे तक लगी हुई है, देख गाड़ियाँ देख लो गाइस, आप गाड़ियाँ दिख रही है आपको। निकल कहाँ आ रही, वो देख रहे हो जाम वहाँ नीचे दिख रहा है, वो जाम हाँ वो देख रहे हो गाइस, जाम जाम उधर से नहीं आए, हम तो वहीं फंसे रह जाते हैं जिंदगी भर तो क्या मतलब, दो तीन घंटे आराम से। नहीं यार निकल तो रही गाड़ियाँ, देखना कैसे कैसी लगी है, ऐसा लग रहा है फेंक नहीं रखी होगी वो देखो उधर देखो भाई, ये पारी गाड़ियाँ ऐसा आ रही है, ऐसा लग रहा फेंक रखी होगी वो भाई, एक आधी से लग भी रही सच में फेंकी हुई। तो गाइज अभी हम पहुँच चुके हैं उत्पालटा समालटा से सीधा, क्योंकि हमको बहुत घूम के आना पड़ा वहाँ से, मंदिरों वालों ने रास्ता बंद कर रखा था, तो हमने कानून का पालन करा और उनकी क्या माननी उनकी बिना सेटिंग लगाए हम अपना तमीज से रास्ता बदल लिए। और यहाँ का व्यू बहुत प्यारा है, फिलहाल हम आराम आराम से चल रहे हैं और इस व्लॉग को हम जल्दी एंड करने वाले हैं आप व्यू के मजे लीजिए। तो गाइस ये नया पोज है सनरूफ से बाहर निकलने का, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बाल उड़ते हैं तो आप इस साइड हो जाओ, फिर आपके बाल आगे पाएंगे और आप अच्छे भी दिखोगे मेरी तरह। अगर मैं आपको अच्छा दिख रहा हूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और व्यू देखो, व्यू तो खैर हमारे ब्लॉग्स में आपको हर जगह अच्छे दिखते हैं, और लोगों को जलन मिलती है फिर से, तब मेरे साथ ऊपर आते हैं लोग गाइस, तो आपने पोज सीख लिया हो, ये देखो हाथ खुद तो पहुंच नहीं रहे ऊपर, हाथ निकाल रहे ऊपर। अभी हम आ चुके हैं गाइस भैया, यहां हम खाने रुके हैं, यहां पे काफी अच्छे मिलते हैं, इसलिए मैं यहीं खाता हूँ, मोमो खा के बनाते हैं निकलते हैं। तो गाइस फाइनली दिस इज द एंड ऑफ द ब्लॉग, तो गाइस प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो भाई, मैं नहीं जा रहा तब तक जब तक तुम करोगे नहीं, क्योंकि यार तभी तो तुम्हारे भाई का पेट पलेगा जब तुम सब्सक्राइब करोगे, तभी तो पैसा आएगा यार समझो, तभी तो डेली व्लॉग्स आएंगे। तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर एंड वेट फॉर नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय, लव यू ऑल।